हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वह मुख्य रूप से चार कंपोनेंट्स के द्वारा मिलकर के बना होता है। अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को, जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, यदि उसके कनेक्शन और उसकी वर्किंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको नाम लेकर के बताता हूँ कि कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। मुख्य कंपोनेंट इसमें होते हैं कॉन्टेक्टर, तीन इसमें कॉन्टेक्टर्स होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्टेक्टर क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें एक टाइमर यूज़ किया जाता है, एक ओवरलोड रिले यूज़ की जाती है और इसमें एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी संरचना समझाऊंगा और कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं ये मैं बताऊंगा। तो ये पूरा वीडियो हमारा स्टेप बाय स्टेप रहेगा, इसे मैं अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ। तो आज जो पार्ट हम बना रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वह किस तरह से कार्य करते हैं, उनकी वर्किंग किस तरह की होती है और उनकी संरचना किस तरह की होती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और इसके बाद में आपको समझाऊँगा कि कॉन्ट्रैक्टर इसमें उनकी संरचना किस तरह की होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो तीन ये दिख रहे होंगे मेन भाग, ये एक तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो भाग है, ये कॉन्ट्रैक्टर पहला होता है, कॉन्ट्रैक्टर नंबर वन होता है, जिसके ऊपर की एक एक्सिलरी लगी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा भाग देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक का ये वाला भाग, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टर नंबर जो है ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, ये वाला जो देखा था आपने ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अलावा ये जिस भाग जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये वाला भाग, ये जो चार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर नंबर हमारा जो है तीन है, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा टाइमर है, इतना भाग जो आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा टाइमर होता है। और ये जो आगे वाला भाग है, यह जिसमें कि ये लाल स्विच भी नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये वाला जो पूरा भाग होता है ये हमारा एक ओवरलोड रिले होता है। तो इन सब के कनेक्शन दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में समझते हैं। जब आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको इस स्टार डेल्टा कनेक्शन के जो कनेक्शन होते हैं वह अच्छी तरह से समझ में जाएंगे। इसकी पूरी जो वर्किंग होती है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, हमने इसका एक स्टार्टर का कॉन्ट्रैक्टर जो है ऑलरेडी हमने निकाल करके रखा हुआ है, अब इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्टर में आपको चार परिपथ को आप एक साथ जोड़ या तोड़, मतलब बना या जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, मतलब चार परिपथ को आप एक साथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम थ्री फेज सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, हमें तीन कॉन्टैक्ट्स को जोड़ना या तोड़ना है, यानी कि मेक एंड ब्रेक करना है। और इसके अलावा जो तीसरा यहाँ का जो चौथा कॉन्टैक्ट होता है ये वाला, ये हमारा नॉर्मली ओपन के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जब ये कॉन्टैक्ट जो है क्लोज हो जाएंगे तो ये नॉर्मली ओपन वाला जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये भी आपके क्लोज हो जाएंगे। तो ये नॉर्मली दोस्तों इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, नॉर्मली ये केवल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब कॉन्टैक्टर नीचे गिरता है तब ये इनके आपस में कनेक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यदि हम मल्टीमीटर के द्वारा ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, यदि इसके चेक करें तो आप लोग पाएंगे कि देखें, जब हम लोग इसके कॉन्टैक्ट्स को जब हम लोग इसे प्रेस करते हैं तो देखिए ये मीटर जो है वो आपका कंटिन्यूटी बताता है। देखिए मीटर जो है वो कंटिन्यूटी बता रहा है, क्योंकि बैटरी मीटर की डाउन हो गई है इसलिए इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक
ठीक है, ये जो मीटर होता है जब हम इसे नीचे प्रेस कर देंगे तो ये कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है, इसे मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। मतलब जब कॉन्टैक्टर जो है ये जब रिले के द्वारा नीचे खींचा जाता है तब ये जो पॉइंट जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनके बीच में आपस में संपर्क हो जाता है। इसी तरह से यदि आप अगले कॉन्टैक्ट्स को देखें तो जो अगले कॉन्टैक्ट्स होते हैं इन्हें भी हम लोग प्रेस करेंगे। इसे देखिए अभी इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसे प्रेस करते हैं तो आप लोग देखें कि इसमें एक आवाज़ आती है जो दर्शाती है कि जब ये कॉन्टैक्ट्स नीचे गिरते हैं तो इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है। फिर अगले कॉन्टैक्ट्स पर आ जाएं हम, इसे भी एक बार देख लें और जब प्रेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट पर भी जो है वीपिंग की आवाज़ आती है और मल्टीमीटर हमारा जो है वह कंटिन्यूटी बताता है। यह वाला जो है नॉर्मली ओपन कनेक्शन से दोस्तों, इसमें आप लोग देखें नॉर्मली इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे इसको तो यहाँ आपको ये मीटर जो है कंटिन्यूटी बताने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ही इसको रिले के द्वारा एनर्गाइज किया जाएगा, इसमें पावर डेवलप की जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाई जाएगी, तो ये कॉन्टैक्ट्स जो है नीचे प्रेस हो जाएंगे और ये पूरे के पूरे ऊपर के जो कनेक्शन है ये ऊपर की जो सप्लाई है यहाँ नीचे तक आ जाएगी। यानी इस कॉन्टैक्टर से आप जो है चार परिपथों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ एक बिल्ट इन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, रिले होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दोस्तों जो है ये जो है 415 वोल्ट का है और 50 हर्ट्ज का है। ठीक है, इसके अलावा अलग रेटिंग में भी आते हैं 230 वोल्ट के, जो सिंगल फेज के लिए होते हैं वो 230 वोल्ट के कॉइल रिले के साथ भी, कॉइल के साथ भी ये कॉन्टेक्टर जो है आते हैं। और दोस्तों इसमें जब हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ इसमें A1 और A2 होते हैं, जब इसे सप्लाई देते हैं तो ये कॉन्टेक्ट जो है ये एनर्गाइज हो जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें कनेक्शन बनते हैं। इसके लिए मैं ये जो नॉर्मली ओपन वाला स्विच है इसमें मल्टीमीटर की एक नॉब को लगा दूंगा ताकि आप लोग ये जब बीपिंग करे तो आप लोग समझ सकें कि ये किस तरह से जो है कनेक्शन को बनाने का काम करता है। इसको हम लोग दोस्तों निकाल सकते हैं यहाँ से, इसे आप लोग चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और इसे निकाल करके मल्टीमीटर की एक नोब हम इस पर लगाएंगे। ये जो मल्टीमीटर है इसकी एक नोब को हमने यहाँ लगा दिया है। और दूसरी नोब को दूसरी तरफ लगा देंगे। चाहे तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे भी अलग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कनेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये चार नट होते हैं दोस्तों, इसमें स्क्रूज, ये आप खोल करके जिस भी लोड को कनेक्ट करना चाहते हैं उसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ ताकि जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के रूप में इसे यूज़ करें तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस तरह से जो है ये वर्क करेगा। ठीक है, इसे हमने लगा दिया है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोस्तों। अब हम इसे सीरीज में चेक करके आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से कार्य करता है। तो हम एक सीरीज टेस्टिंग लैंप लेते हैं और सीरीज टेस्टिंग लैंप में हम लोग ये टर्मिनल्स को लगा देते हैं। इसके बाद हम सीरीज टेस्टिंग लैंप को ऑन करते हैं चेक करने के लिए। अब दोस्तों देखें आप लोग कि जैसे ही मैं यहाँ आप लोग देखें कॉन्ट्रैक्टर में, अब जैसे ही मैं ये रिले को सप्लाई दूंगा, रिले के जो टर्मिनल होते हैं नीचे, ये दो टर्मिनल जो होते हैं रिले के नीचे यहाँ और यहाँ, या यहाँ जो ऊपर नट होते हैं यहाँ पर भी इसमें जो है संपर्क होता है, या यहाँ स्क्रू कसने के लिए होता है नीचे एक ये वाला यहाँ पर और एक ये यहाँ पर जो मल्टीमीटर के नीचे से नोब जा रही है यहाँ पर, या ये जो तार जा रहा है आप लोग देखेंगे, तो इसे जब हम सप्लाई देंगे तो जो रिले है
देखें आप, जब जैसे ही एरर राइज होगा वैसे ही देखें आप लोग कि कॉन्टेक्ट किस तरह से मूव करते हैं और मीटर में आवाज़ आती है अथवा नहीं। और अब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्टर में क्या प्रतिक्रिया होती है जब जो रिले है इसे सप्लाई दी जाती है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब सप्लाई दी जाती है तब देखते हैं कि कॉन्टेक्टर में क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आप लोग देखें दोस्तों कि अब जो मल्टीमीटर है वह कंटिन्यूटी बता रहा है और जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपस में क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर होता है इस तरह से ये वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कॉन्टेक्टर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।